Dr. Shari sir. हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर आदित्य. डॉक्टर आदित्य इकोनॉमिस्ट हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स फोरम के सीईओ हैं. मैं चाहूँगा कि आप जो है अपनी गुफ्तगु जाहिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा एक मैक्रो लेवल पे और एक आम आदमी के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें कैसे अफेक्ट करती है. बेसिकली हम मॉनिटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो इसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि भाई आरबीआई जो कि इंडिया की सेंट्रल बैंक है वो कैसे ग्रोथ को मैनेज करें. ग्रोथ जब मैं कह रहा हूँ तो इसका अर्थ है हम जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं एंड सेकेंड इन्फ्लेशन के जिसको महंगाई कहते हैं, ये दोनों के बीच में वो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ट्राई करता है. अब इसमें दो व्यूज है. कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि भाई हमें ग्रोथ को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, इन्फ्लेशन बाद में देखा जाएगा. तब कई कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होगा तो हमारा ग्रोथ आपे से बाहर हो जाएगा. और इसका डिबेट यही नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलता है कि आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. बट मैं इसका आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, खास करके जब हम ये मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं करंट एनवायरनमेंट में. सी अगर हम 2010 को याद करें तो 2010 अक्टूबर महीने में जहाँ तक मुझे याद है हमारा जो रेपो रेट है जो की इंस्ट्रूमेंट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो एक मेन मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, तो कहीं ना कहीं 5% के आसपास था. जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता गया इकोनॉमी में तो आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ाया और रेपो रेट 2013 तक इलेक्शंस के पहले 8% तक गया था. जब रेपो रेट 8% गया तो ये सरकार आई उसके पहले दिसंबर 2013 में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट घट के सिर्फ 4.6% पे आ गया था, जो हमारा 10 साल का सबसे लोएस्ट लेवल पे था. यानी ये एक क्लियर स्टैटिस्टिकल एग्जांपल था कि अगर आप ब्याज दर बढ़ाते जाते हैं तो इससे इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है. इन्फ्लेशन का जो होना वो होगा बट इससे इकोनॉमी श्योरली स्लो डाउन होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है जो हम इन्फ्लेशन को लेकर कई बार चर्चा करते हैं. अभी लास्ट टाइम का भी अगर मैं आपको इन्फ्लेशन डेटा बोलूं तो 4.83% से बढ़ के वो 5.39 हुआ है. और कहीं ना कहीं अगर बारिश देर से आती है तो आप देखेंगे कि वापस इन्फ्लेशन बढ़ेगा और आरबीआई पे वापस से प्रेशर आएगा कि वो इंटरेस्ट रेट घटाने में फिर दूसरी राय सोचने लगेगा. 2014 के पूरे साल में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को टच नहीं किया, इंटरेस्ट रेट जो के त्यों रहे. रिजल्ट क्या हुआ, हमारा आईआईपी डेटा जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो नेगेटिव में चला गया. कोर सेक्टर डेटा -3.1% तक गया. 2015 आया तब आरबीआई ने 150 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट घटाया. जब रेपो रेट घटा तो इकोनॉमी में डिमांड धीरे धीरे पिकअप होने लगी. 2015-16 का हम टोटल करते हैं तो आरबीआई ने 150 बेसिस पॉइंट यानी 1.5% इंटरेस्ट रेट को घटाया है. इससे अगर आप देखें तो इकोनॉमी में धीरे धीरे डिमांड पिकअप होने लगी है. करंटली जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो आज जीडीपी डेटा अभी शायद शाम को 5 बजे आने वाला था जिसका प्रोजेक्शन 7.3% कहा गया है. गवर्नमेंट कह रहा है कि कहीं ना कहीं 7.5% के आसपास हम जीडीपी ग्रोथ करेंगे, जो कि राइट नाउ आईएमएफ के हिसाब से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है उसके हिसाब से वर्ल्ड में इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. वर्ल्ड का एवरेज जीडीपी ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो वो 3.2% है. तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन ये दोनों को टैकल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इससे कौन कौन से सेक्टर्स अफेक्ट होते हैं, कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बेसिकली बढ़ता है तो आप देखेंगे कि हाउसिंग सेक्टर में स्लो डाउन आता है, ऑटोमोबाइल्स में स्लो डाउन आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट ये सेक्टर्स नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं. क्योंकि जैसे ही ब्याज दर बढ़ता है तो लोग सोचते हैं कि नहीं यार अभी ईएमआई नहीं लेना है क्योंकि मेरा मंथली बजट बिगड़ेगा तो मैं मेरा बाइंग डिसीजन पोस्टपोन करता हूँ. तो इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है. आप देखिए अगर 6-8 महीने पहले अगर आप होम लोन रेट्स किसी को पूछे तो करीबन 10.5 से 11% के बीच में थे. अभी मैंने खुद होम लोन लिया तो 9.6 पे मेरा ईएमआई आया. तो इसीलिए मुझे मोटिवेशन था कि भाई 9.6% पे मुझे होम लोन मिल रहा है, एक घर ले लूँ और इससे मुझे इनकम टैक्स में भी बेनिफिट होगा प्लस एक असेट भी क्रिएट होती है. सी खास करके जो इंडियन इकोनॉमी है यहाँ मैं एक खास एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा. सी बेसिकली आरबीआई ने क्या किया है, दे वेंट फॉर समथिंग नोन एज टारगेट बेस्ड इन्फ्लेशन पॉलिसी. ये जो टारगेट बेस्ड इन्फ्लेशन पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं यूएस का मॉडल है कि भाई वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन के टारगेट लगाते हैं और जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होता है वो इंटरेस्ट रेट को छेड़ते नहीं है. अब ये डिबेटेबल है कि ये मॉडल कितना इंडियन सिचुएशन में काम करता है नहीं करता है, ये अगेन डिबेटेबल है, इसको दोनों तरफ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पर जहाँ तक इंडियन पॉपुलेशन का सवाल है तो हमारे में मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है.
मिडिल क्लास पॉपुलेशन जब भी बाइंग करता है तो उसमें लोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो हाउसिंग लोन लेता है, कार लोन लेता है. इनफैक्ट जब दिवाली या ईद आती है, त्यौहार का सीजन आता है, तो वो कैपिटल गुड्स टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, वो भी किस्तों पे लेने की कोशिश करता है. तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कि अगर इंटरेस्ट रेट आरबीआई को भी एक बैलेंस लेना पड़ता है. अगर हम टू लूज मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं जो यूएस ने की, कि 2008 में जो ये मंदी आई, उसका वन ऑफ द की रीज़न क्या था कि ब्याज दर घटाया, सबको लोन दे डाला. रिजल्ट क्या हुआ कि $3.3 trillion लोन उन्होंने सबप्राइम क्राइसिस के नाम पे बांटे और कोई लोन रिकवर नहीं हो सका. तो यानी इंटरेस्ट रेट बहुत घटा के लोन देना भी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक है. और दूसरी बाजू अगर इंटरेस्ट रेट एकदम हाई कर देते हैं, क्रेडिट एकदम टाइट करते हैं, तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी. तो कहीं ना कहीं ये आरबीआई ने बैलेंस व्यू लिया है और उसके हिसाब से वो ट्राई करते हैं कि इकोनॉमी में जो ग्रोथ आता है वो उस तरह तवज्जो रहे, ग्रोथ आता रहे, प्लस इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं कंट्रोल रहे. इंडस्ट्रियल इसकी बात करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपांशन की बात करते हैं, तो जब जब ब्याज दर बढ़ते हैं तो कॉर्पोरेट्स जो होते हैं वो एक्सपांशन करने से कतराते हैं, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा लगता है. तो अगर कॉर्पोरेट्स एक्सपांड नहीं करेंगे तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे खड़ी होगी. आज इंडिया का जो सदिक सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, आज हम वर्ल्ड में मोदी साहब करीबन ऑलमोस्ट 23-25 कंट्रीज घूमे, उन्होंने बेसिकली इंडिया को मार्केट किया. तो हमारा तीन मेन पॉइंट्स क्या है. नंबर वन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि आज इंडिया में करीबन मोर देन 70% पॉपुलेशन 35 साल से कम एज की है. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सेविंग्स रेट. हमारा सेविंग्स रेट आज भी करीबन 28% है जीडीपी के. वर्ल्ड का एवरेज करीबन 20-22% है. तो ये तीनों हमारे बहुत की पॉइंट्स हैं. लेकिन इन तीनों बेनिफिट्स के सामने अभी हम जो वर्ल्ड को बोल रहे हैं कि सर आप आइए इन्वेस्ट करिए, क्योंकि हमारे वहाँ मार्केट से यंग पॉपुलेशन है, तो ये थियरी काम कब करेगी. जब हम बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज खड़ी कर पाएंगे. और जॉब अपॉर्चुनिटीज कब खड़ी होगी, जब कॉर्पोरेट सेक्टर एक्सपांड होगा. आज अगर जैसे FDI आता है, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि FDI और FII ये दोनों तरह के कैपिटल इंडियन इकोनॉमी में आते हैं. लेकिन FII जो स्टॉक मार्केट में आता है उससे आम आदमी को कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि वो पैसा आया, शेयर्स बाई किए और चौथे दिन चला भी गया, हम उसका कुछ नहीं कर पाते.